आप अपना काम कर लीजिए, मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल दीजिए। क्यों बेशाने, कौन है तू? ये बैठे मैडम, अभी आती होगी। नमस्ते। नमस्ते। प्लीज बैठिए। शुक्रिया। मिस वर्मा, मैं वक्त का भारापन महसूस कर रहा हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं आप इस वक्त किसी के साथ बात करने के मूड में नहीं होंगे, खासतौर पर पुलिस वालों के साथ। लेकिन कानून का तकाजा यह है कि तहकीकात जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट होनी चाहिए ताकि अपराधी को सजा मिल जाए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे एक दो सवाल पूछना चाहूंगा। शायद आपका कोई भी जवाब हमें हत्यारे की सुरंग तक पहुंचा दे, इसलिए सोच समझ कर जवाब दीजिए, हड़बड़ाइए मत। ये पूछिए। वर्मा साहब ने जिंदगी बड़ी तेज रफ्तार के साथ तरक्की की, इस दौरान बहुत से लोगों को धक्का लगा होगा, कुछ लोगों को लगा होगा कि उनका हक मारा गया है। आपको किसी पर शक है? नहीं। मैं आपके इस जवाब को जवाब नहीं मानता। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मेरे सवाल को टाल दिया है। क्यों? मिस वर्मा, आप और वर्मा साहब के बीच कोई भी बात छुपी हुई नहीं थी। वर्मा साहब ने कभी भी अपने दोस्तों का जिक्र करते हुए अपने किसी दुश्मन के बारे में कोई बात की थी? नहीं। मिसेस वर्मा, कोई ऐसा आदमी जिसे साहिब से जलन हो? नहीं। एक आखिरी सवाल मिसेस वर्मा, क्या आप उस लड़के के बारे में कुछ जानती हैं जिसने आपके पति पर गोली चलाई और जिसने इकबाले जुर्म किया? नहीं। ठीक है मिस वर्मा, मैं चलता हूं। थैंक यू, आई एम रियली वेरी सॉरी। बस इतना समझिए कि मैंने कुछ पूछा नहीं और आपने कुछ सुना नहीं। मैं फिर आऊंगा। आप उस लड़के के बारे में कुछ जानती हैं जिसने आपके पति पर गोली चलाई और जिसने इकबाले जुर्म किया? बेटा, मां, मां, मैंने तेरा काम कर दिया। मां, कौन सा काम? जिसने तुझे जिंदगी भर सताया मैंने उसे मार दिया। मां, क्या मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा था जो बात मैंने तुमसे जिंदगी भर छिपाई वो तुमने कैसे जान दी? नहीं राजू, ये तुमने ठीक नहीं किया। मां का नाम लेकर अपनी पूरी जिंदगी खतरे में डाल दी। एक बार, सिर्फ एक बार तुमने ये नहीं सोचा कि मैंने तुम्हारी लंबी उम्र के लिए इतनी मन्नतें मांगी थी, कितने व्रत रखे थे, लेकिन तुमने वो सब कुछ भुला दिया। तुम्हें अपने बाप की दुश्मनी याद रही, माँ का प्यार याद नहीं रहा। तेरा जो तुमने ये ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया तुमने। अभी तक तो उसने अपनी जुबान नहीं खोली है, कब तक वो अपनी जुबान बंद रखेगा? पर हमारा मैसेज उस तक पहुंचा के नहीं? पहुंचा दिया है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वो हमारी सुनेगा या हमें समझेगा। मगर वो खामोश तो हो सकता है। इसे पहचानते हो? नहीं। अच्छा, ये तुम्हारा नाम नहीं?
नहीं, ये मेरा नाम नहीं है। ये हैंडराइटिंग भी तुम्हारी नहीं? नहीं। और ये सिग्नेचर? मुझे मेरा जवाब मिल गया। अब मुझे सीधी तरह ये बता दे कि तू वहां क्या कर रहा था। देख, पुलिस से झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। तू मुझे इतना बता दे कि तूने लॉज में कमरा क्या काम करने के लिए लिया था। आप जानते हैं, तभी तो आप मुझे यहां लाए हैं। वेरी गुड। अब तू शराफत से ये भी बता दे कि इस काम के लिए तुझे पैसा किसने दिया था। काम? कौन सा काम? विश्वनाथ को गोली मारने का काम, समझे? मैंने कोई खून नहीं किया। ये सवाल तो तुझसे मैं बाद में ही पूछूंगा। तू मुझे सिर्फ इतना बता कि तुझे हर किसने किया था। सीधी बात तो यह है साहब, मैं पैसे देने वाले का नाम नहीं पूछता, सिर्फ नोट गिनता हूँ और उसी का नाम पूछता हूँ जिसका काम तमाम करना होता है। सच तो बात यह है साहब, मैंने वर्मा जी का कत्ल नहीं किया। खून किसने किया है तू मुझे सिर्फ इतना बता दे, मैं वादा करता हूँ तुझे यहाँ से आजाद कर दूंगा। मैं गया तो था गेम बजाने, लेकिन मैं गोली चलाता इससे पहले किसी और ने गोली चला दी और गार्ड्स ने मुझे कातिल समझकर मेरे ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। मैं वहां से बच बचाकर निकल भागा। तूने नहीं मारा तो फिर और किसने मारा है? वो तो जानता होगा ना। घनाधन गोलियां चलाने के बाद मोटरसाइकिल पे सवार एक आदमी को भागते हुए देखा। इतनी खतरनाक स्पीड एक कातिल की ही हो सकती है। तू उसका चेहरा पहचान सकता? उसका चेहरा हेलमेट से ढका हुआ था। चल 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 भाग। वो खामोश तो हो सकता है, यही बेहतर भी होगा और सुरक्षित भी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जरूरी भी है कि और जो जरूरी है वो हो जाए। खामोश, बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले। क्या लगता है सर आपको? इंस्पेक्टर अजय, उसने अपने बचाव के लिए बड़ा इजी तरीका अपनाया है, कॉपरेट विद द पुलिस। लेकिन उसने एक बात कन्फेस कर ली है कि उसे किसने हायर किया है। सर, लेकिन उसने हायर करने वाले आदमी का नाम नहीं बताया। अभी उस पॉइंट के बारे में मत सोचो, सिर्फ इतना सोचो कि उन लोगों को मालूम पड़ गया होगा कि वो पकड़ा जा चुका है जिन्होंने उसे हायर किया था। वो ये भी जानते होंगे कि पुलिस उससे सवालात करेगी और ये बात भी अच्छी तरह जानते होंगे कि वो ज्यादा देर तक पुलिस के सवालों के आगे टिक नहीं पाएगा। वो ये भी जानते हैं कि अगर उसने जबान खोली तो वो अदालत के कटघरे में होंगे। यस सर। इंस्पेक्टर अजय, इसलिए जरूरी है कि पुलिस अपनी आंखें और अपने कान खुले रखे ताकि उन्हें उस आदमियों के बारे में मालूम हो जो उसके बारे में खोज खबर कर रहे हैं। एक बात कहूं सर, इस आदमी के पकड़े जाने के बाद ये साजिश करने वाले लोग चैन क्लीन सो नहीं रहे होंगे। वो अपने बचाव के लिए कोई ना कोई हरकत तो जरूर करेंगे। साहब साहब, रबर ने फोन का उल्टी कर दी, जमीन पे गिरा पड़ा हुआ है। इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। वो खामोश हो गया। खामोश, बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले। सब कुछ साफ है, सुथरा है, गंगा जल की तरह पवित्र है। कहीं कुछ हुआ? कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ। बेचारा अच्छा आदमी था, नमक खाया था, जान दे दी पर जुबान नहीं खोली। और हमारा कैरियर हमेशा की तरह सेफ, कहीं कोई दाग नहीं।
एकदम प्योर एंड क्लीन। भेद का समय पर होनी को कौन टाल सकता है। क्षति केवल आपकी ही नहीं, हमारी पार्टी की है, राज्य की है और देश की है। वर्मा जी जैसा लीडर कई युगों के बाद एक बार पैदा होता है। वो सही मायनों में जनता के नेता थे। जब कभी कोई गरीब रोता था तो वो खुद भी रो पड़ते थे। वो सेवा धर्म को मानते थे, कुर्सी की तो उन्होंने कभी परवाह ही नहीं की। मैडम, इस गम की घड़ी में आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। आपके पति के अधूरे सपने को हम पूरा करेंगे, हम सब मिलकर पूरा करेंगे। बस आप हुक्म दीजिए। इंस्पेक्टर अजय, किसको लव लेटर लिख रहे हो? सर, लव लेटर नहीं, मैं लिस्ट बना रहा हूं। शादी तुम्हारी हुई नहीं, बैचलर हो, राशन तो मैं खरीदना नहीं, इसकी लिस्ट बना रहे हो? सर, आप भी बात को कहां से कहां ले जाते हैं। दरअसल मैं वर्मा साहब के दुश्मनों की लिस्ट बना रहा हूं ताकि उनके कातिलों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। सर, एक बात मैं और आपको बताना भूल गया। वर्मा साहब के घर में हर 7 दिन बाद कुछ लोग शोक मनाने जाते हैं। सर, यह पता करना मुश्किल नहीं कि वहां बातें क्या होती होंगी, क्योंकि दीवारों के कान ही नहीं जबान भी होती है। दीवारों का बयान बाद में ले लेना, पहले अखबार पढ़ो। जो बात पुलिस को मालूम नहीं वो इस क्राइम रिपोर्टर को कैसे पता चली? पता करो कौन है ये क्राइम रिपोर्टर और इस केस को नया मोड़ देने की कोशिश क्यों कर रहा है। तो मैं कमिन सर। यस कमिन। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, लेट मी इंट्रोड्यूस टू मायसेल्फ, आई एम नीता सिंह, द एक्सप्रेस टाइम्स। मनगढ़ंत कहानियां लिखती, ये रिपोर्ट आप ही ने लिखी है। कैसे ना लिखती सर, आई मीन ना कोई एनकाउंटर हुआ, ना गोलाबारी हुई और ना ही कोई घायल हुआ, और वर्मा जी का कातिल सीधा हवालात की हवा खा रहा है। तरह सोचिए सर, जस्ट इमेजिन, 10-10 पर मर्डर होता है, 10-20 पर आपको रिपोर्ट मिलती है, 10-25 पर आप ऑर्डर जारी करते हैं और 10-50 पर कातिल पकड़ा जाता है। क्रेडिबल सर, इम्पॉसिबल फीट। मेरी मानिए तो आप अपने लिए पुलिस मेडल सिक्योर समझिए। लेकिन इस कहानी में कमी रह गई, बस इसीलिए आपसे सॉरी बोलने चली आई सर। वो क्या है ना, इस रिपोर्ट में ना तो आपकी कोई तस्वीर है और ना कातिल की। आई मीन शिकार और शिकारी की तस्वीरों के बिना शिकार की रिपोर्ट बेकार है ना। तो लेट मी जस्ट क्लिक योर फोटोग्राफ। प्लीज अपनी जुल्फों को जरा संवार लीजिए प्लीज। थैंक यू जी। थैंक यू सर। आपका गुस्सा बहुत रोमांटिक है। आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरे जैसी दूसरी लड़कियों से पूछ लीजिए, गुस्से वाली।
That's good. Sir, कातिल की कोई फोटो वोटो मिल सकती है छापने के लिए मेरे आर्टिकल के लिए? नहीं, मुलजिम की फोटोग्राफ आपको नहीं मिल सकती और ना ही आप उसे छाप सकती हैं, क्योंकि पुलिस का केस कमजोर हो जाएगा। जाने दीजिए सर, उसकी फोटो किसको चाहिए, कौन देखेगा? मुझे आपकी फोटो मिल गई, मेरा काम हो गया। आप कहे तो मैं मुलजिम से एक बार मिल लूं। मैं भी कैसी पागल हूँ, इतनी छोटी सी बात के लिए आपको तकलीफ दे रही हूँ। मैं हवलदार से बात करके खुद ही मिल लूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरे अरे सुनो, मुलजिम राजू लीलावती, तुम्हारे ऊपर इल्जाम है कि तुम मेरे इतने बड़े कारनामे को कोशिश कहा जा रहा है, उसके कातिल होने का हक छीना जा रहा है। ये किसी की साजिश है जज साहब। आप किसी भी फाइल पे यकीन मत कीजिए, किसी भी रिपोर्ट को मत पढ़िए और किसी भी गवाह और सबूत पर यकीन मत करिए। सच मैं बताता हूं आपको, विश्वनाथ वर्मा का कातिल होने का गौरव सिर्फ मेरा है, मेरा। तुम जानते हो तुम्हारा बयान तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोसिक्यूशन में प्रोसीड। अब्दुल विश्वनाथ वर्मा का कत्ल तुमने किया? जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कब किया उनका कत्ल? 14 जुलाई को। किस वक्त? दिन के 10 बजे सरेआम सबके सामने। कहाँ? मंदिर चौक मलाड। तुम कहाँ रहते हो? शहीद चौक विरार। तुम शहीद चौक में रहते हो? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि 14 जुलाई सुबह 10 बजे मंदिर चौक पे श्री वर्मा की गाड़ी पहुंचेगी? तुम आराम से गन लेकर साइकिल पर सवार वहां पहुंच गए। इतनी आसान बात जानने के लिए किसी को सीबीआई की मदद लेने की जरूरत नहीं, और जो विश्वनाथ वर्मा पे नजर रखे हुए थे वो जानते थे कि हर महीने की एकादशी को वो 10 बजे मंदिर जाते थे, और ये बात मैं पिछले 3 वर्षों से जानता हूं। 3 साल से तुम उनको जानते हो, तो फिर तुमने वार करने का यही दिन क्यों चुना? मैं उसे सरकारी कुर्सी पर बैठने से पहले मारना चाहता था। अगर मैं उसे कुर्सी पर बैठने के बाद मारता तो मेरे देश का झंडा आधा झुकाना पड़ता, और यह मुझे हरगिज मंजूर नहीं, इसलिए मैंने उसे मार दिया। देखो, तुम अदालत से उस आदमी का नाम छुपा रहे हो जो इस मर्डर की साजिश में तुम्हारे साथ शामिल है। जज साहब, आपसे दरख्वास्त है कि इसका हमें पुलिस रिमांड चाहिए, बहुत कुछ जानना है इससे। आप जिस गाड़ी का मुआयना करके आए हैं उस पर गोलियां चारों तरफ से चली थी, लगता है कातिल पूरी तैयारी के साथ था। और जैसे कि आप जानते हैं एसीपी साहब, डेड बॉडी से जो गोली निकली थी वो उस पिस्तौल की नहीं थी जिसे कि आपने मर्डर वेपन समझकर मुझे एग्जामिनेशन के लिए भेजी थी। गोली या तो AK-47 या तो AK-57 से चली थी और करीबन 70 फीट की दूरी से चली थी। एक और अहम बात, जिस एंगल से गोली चली थी उससे साफ जाहिर होता है कि गोली चलाने वाला जमीन से 10 फीट ऊपर खड़ा होगा। थैंक यू जनरल, कम ऑन। सलाम साहेब, तू यहां कैसे आ गया? तेरा सारा पैसा दिया जा चुका है। मैं पैसे के लिए नहीं आया हुजूर, मैं आपको सलाम करने आया हूं। दफा हो जाए यहां से। जी हुजूर। और फिर कभी अपनी ये सूरत यहां दिखाना मत। नहीं नहीं हुजूर, इतना जुल्म मत कीजिए। अगर मैं आपसे दूर चला गया तो मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? तौबा तौबा माय बाप, मैं और आपको ब्लैकमेल करूं? नहीं 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 नहीं, मुझे जिंदा रहना है और आपकी सेवा करते रहना है।
मोटरसाइकिल तुम्हारी? जी हाँ मेरी है। क्या बात है? यहाँ क्या कर रहे थे तुम? मेरा मतलब है सरकारी ऑफिस में किससे मिलने आए थे तुम? तुम मुझे पहचानते नहीं हो। इंस्पेक्टर अजय नाम है मेरा, मुंबई क्राइम ब्रांच। चल चल। बाबू अल्लाह के नाम पर एक रुपया दे दो बाबू। बाबू अल्लाह ताला तुम्हारे काम में बरकत देगा बाबू। बाबू एक रुपया अल्लाह के नाम पर बाबू। एक बात बताओ बाबू। हाँ पूछो बाबू। तुम रोज यहाँ बैठते? हाँ बाबू हम रोज ही बैठते हैं, सुबह से शाम तक यहीं बैठते हैं हम। ये तो हमारी खानदानी जगह है बाबू, और हमारे दादा भी यहाँ बैठकर बड़ी शान और इज्जत के साथ भीख मांगते थे। जिस दिन गोली चली थी उस दिन तुम यहीं बैठे? नहीं बाबू, उस दिन हमारा बेटा बैठा था। कभी कभी अपने बेटे को भी बैठाना पड़ता है ना, ये भीख मांगना बहुत बड़ा इल्म है। लो बाबू तुम्हारा खाना। अल्लाह बेटा। बाबू यही है हमारा बेटा। बेटा एक बात बताओ, जिस दिन गोली चली थी तुम यही बैठे? हाँ सर अपन इधर ही था, बहुत मजा आया। रोड पे क्या डिशुम डिशुम हुआ। क्या गोली इधर से चली थी जहाँ तुम बैठा? असली गोली तो इधर से ही चली थी साहब। वो गाड़ी में जो आदमी बैठा था ना संजीव कुमार के माफी, वो तो एकदम खल्लास ही हो गया साहब। क्या तुम उस आदमी को पहचान लोगे जिसने गोली चलाई थी? पहचान तो सकता हूँ साहब, वो अपना फिल्म का विलन है ना, उसके माफिक था एकदम। अजय मैं कमिंग सर। यस कमिंग। इंस्पेक्टर अजय मुंबई क्राइम ब्रांच। इंस्पेक्टर कहिए। क्या बताऊं सर, मैं एक धर्म संकट में। कैसा धर्म संकट? यू आर अंडर अरेस्ट। अपनी ड्यूटी करो ऑफिसर। इसे पहचानते हैं? पहचानता हूं। पेशेवर अपराधी है, पैसा लेकर अपराध करता है। क्या आपने भी कभी इसे पैसे देकर हायर किया था? यस ऑफिसर। क्लियर किए विश्वनाथ वर्मा के लिए? यस ऑफिसर। आप तो उनके पिए थे, फिर उनके खिलाफ अपराध करने का आपका क्या मोटिव? अपराध करने के पीछे? नहीं ऑफिसर, समझने में कहीं गलती हो रही। पर इसमें समझने वाली कौन सी बात है? आप मुझे सीधी तरह यह बताइए कि आपने उस अपराधी को किस काम के लिए रुपए दिए थे? दैट्स इट। ऑफिसर आप अखबारों में रोज पढ़ते होंगे कि राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है। मैं वर्मा जी का पीए था, उनकी सुरक्षा का भार मेरे ऊपर था। ये मेरी गलती है, मैं अपना अपराध कबूल करता हूं कि उनकी सुरक्षा के लिए मैंने पुलिस की मदद नहीं ली, पैसा देकर एक क्रिमिनल को हायर किया। उस दिन वो क्रिमिनल वर्मा जी की सुरक्षा में था। आपने अपना अपराध कबूल कर लिया, लेकिन आपको मेरे साथ थाने चलना। मैं बाहर आपका इंतजार करता हूं, तब तक अगर आप चाहें तो अपनी बेल का इंतजाम कर सकते। कमिंग सर। यस। सामने एक फोटोग्राफर, लेकिन मैं अपनी बात करने नहीं आया हूँ। तो फिर क्या करना चाहते हैं? साहब जिस रोज गोलियां चली और नेताजी मारे गए, मेरे नन्हे साहबजादे ने मेरे स्टूडियो से उस गली के कई फोटोग्राफ्स ले डाले, जिसमें डेल्ट करने से एक तस्वीर ऐसी मिली तो मेरे काम की तो है नहीं। हाँ आपके काम की हो सकती है, देख लीजिए।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं चलूं साहब? क्या बात है? कुछ नहीं, एक फोटोग्राफर साहब कुछ तस्वीरें लेके आया। अजय साहब ने का कहना है जिस दिन वर्मा साहब पर गोली चलाई गई इसका छोटा बेटा स्टूडियो के बाहर मौजूद था और उसने ये सारी फोटोग्राफ्स खींची। देखिए सर, हाथ में गन और ये टैटू, हो सकता है सर वर्मा जी पर इसी आदमी ने गोली चलाई और इसी की गोली की वजह से उनकी जान चली गई। अजय काम करो, शहर में और आसपास के इलाके में जितने भी टैटू बनाने वाले हैं उनका पता लगाओ, खासतौर पर जिस आदमी ने ये टैटू बनाया, हो सकता है हमारा ये क्लू। चल बाबा, एक फर्स्ट क्लास का टैटू बना डालने का, अपुन के दिल के एकदम नजदीक हो गया है ना, अब उनकी गर्लफ्रेंड की फरमाइश है। चल एक फर्स्ट क्लास की बुलेट बना डाल, चल कम ऑन। अच्छा एक बात बताओ, ये पुलिस वाला की गुंडा वाला ये हीरो है तू? दिमाग फिर गया तेरा, पुलिस का टैटू बनाएगा? अबे अपुन भाई लोग है, एकदम भाई की स्टाइल का टैटू बना डाल लेगा। चल चल जल्दी कर, बनाएगा ना भाई। ए, अपुन मसाले को आता है? अरे तू जा ना, देर की बात, जल्दी आ। जल आ रहा है। मैम साहब, वो लोग आ गए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं आती हूं।
बेटी, तुम विश्वनाथ जी की पत्नी हो, इसलिए पार्टी का भी कुछ हक है तुम्हारे ऊपर, और उसी हक की बिना पर हम सब पार्टी मेंबर्स तुमसे ये निवेदन करने आए हैं कि अब पार्टी की बागडोर तुम्हें अपने हाथों में ले लो। हम आपको ना नहीं कहने देंगे, और जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे तब तक हम सब यहां धरना लगाकर बैठे। लेकिन मुझे करना क्या है? देखिए मैडम, हम हाई कमांड से आपकी सिफारिश करने जा रहे हैं। मंजूरी मिलते ही आपको अपने स्वर्गवासी पति की खाली कुर्सी को कबूल करना है। बस देखिए, इस वक्त जनता की और सारे के सारे पार्टी मेंबर्स की सिंपति सिर्फ आपके साथ है, इसलिए हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चाहे जो भी हो आप इनकार मत कीजिएगा। ठीक है, अगर पार्टी का इसी भी फायदा है और आप सब लोगों की भी यही राय है तो मैं आपका हुक्म मंजूर करती हूँ। सच्चा है। थैंक यू। मैं सब कल रात को साहब आए थे, मैं दौड़कर आपको उठाने वाली थी कि साहब ने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा उसे उठाना नहीं, फिर वो उस सोफे पर बैठ गए और मुझे कॉफी पिलाने के लिए कहा। मैं कॉफी लेकर वहां आई तो साहब वहां नहीं थे। मैं बहुत घबरा गई, मुझे लगा कि वो भूत-भूत तो नहीं। कोई भूत-भूत नहीं होता, तुमने जरूर सपना देखा होगा। क्या है वैसे? प्रति, मैं हूं स्वती तुम्हारा पति, मेरी कुर्सी तुम्हें मुबारक हो स्मृति वर्मा। आपकी जमानत हो चुकी है, आप जा सकते हैं। जमानत? किसने दी मेरी जमानत? मैंने। तुमने? सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन पहले चलो मेरे से डर लगता है, बुझा देते। दरवाजा बंद कर दो। अरे डरती क्यों हो? डरो मत मुझसे, मैं तुम्हारा कोई भी अहित नहीं करूं। मैं तो तुमसे प्यार करता था, तुम मेरे दुश्मन की बेटी थी, फिर भी मैंने खतरा उठाकर तुमसे शादी की। अरे भागते कहां हो? भागो मत, इस समय मैं बड़े दुख से गुजर रहा। हत्या हुई है मेरी, अकाल मृत्यु।
रास्ते हर बार बचकर निकल जाता है। तड़प रही है मेरी आत्मा और ये तब तक तड़पती रहेगी जब तक कातिल के सर से मेरे खून का कर्ज उतर नहीं जाता। कातिल की चालाकी उसके किसी काम नहीं आए, उसे चैन से नहीं रहने दूंगा, न दिन उसका न रात। अगर वो कानून से बच भी गया तो उसकी रूह को तड़पा तड़पा कर कातिल किसी का भी खून कर सकता है लेकिन अपने जमीर का खून नहीं कर सकता। और जब तक जमीर है तब तक वो अपने को सजा पाने से रोक नहीं सकता, नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। आप जाइए यहां से, मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए सब कुछ करूंगी, जो आप चाहते हैं वैसा करूंगी। आप जाइए, मैं अब आपकी आत्मा को भटकने नहीं दूंगी, मैं सब कुछ करूंगी। क्या करोगी? मैं अभी फोन उठाकर पुलिस को फोन करके अपना इकबाल जुर्म कर लेती हूँ। मैं उन्हें बता दूंगी कि आपका खून मैंने करवाया है, मैंने आपको मरवाया है, कि आपको मरवा के मैं पब्लिक और पार्टी की हमदर्दी का हासिल करके आपकी कुर्सी हथियाना चाहती थी। मैं आपको मरवा के सत्ता हासिल करना चाहती थी, मैं आपको मरवा के सत्ता हासिल करना चाहती थी, मैं सत्ता हासिल करना चाहती थी। मिसेज वर्मा, आप एक एंबिशियस औरत हैं और शादी के बाद आप अपने पति के जरिए आप सत्ता हासिल करना चाहती हैं, इसलिए आपने एक ऐसे आदमी से शादी की जो आपके पिता की मौत का कारण बना। मिस्टर विश्वनाथ वर्मा के साथ आपने शादी क्यों हालात में की ये बात हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। शादी के बाद आपने अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया और तब तक फैलाती रही जब तक उन्हें सीएम की कुर्सी हासिल नहीं हो गई। लेकिन सत्ता में आने से पहले ही या शपथ देने से पहले ही आपने उन्हें जान से मरवा दिया। आपने इसलिए किया ताकि आपको लोगों की सिंपथी हासिल हो जाए और आप सीएम बन जाए। सत्ता के लालच ने आपको मुजरिम बनने पर मजबूर कर दिया। अबे मिस्टर वर्मा, अब यह भी बता दीजिए इस काम में आपके साथ साथ आपका साथी कौन था? चलिए मैं बता देता हूं, आपका ड्राइवर जिसने जेरी जैसे कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया था, तो दोनों अब हमारी कस्टडी में। सॉरी मैम साहब, मैंने अपनी लालच के लिए आपके कहने पर साहब का कत्ल करने के लिए जेरी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। गिरफ्तार करो ना।